हम अपने संसदीय क्षेत्र में एक दिन 18 किलोमीटर पैदल चले थे और वो और कहीं नहीं, यही रहुई का इलाका था, इसमें एक बार हम पैदल चले, ये हम बताते रहते हैं लोगों को। तो हमारा जो संबंध है, आपने जो मुझको सम्मान दिया है, प्रेम किया है मुझसे, जो अवसर दिया है, ये हम कभी भूल नहीं सकते हैं। जब तक हम जीवित हैं, हम आपके द्वारा जो मुझे प्रेम किया गया, सम्मान दिया गया, इसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। हम में जो भी क्षमता होगी, हम उस क्षमता का उपयोग आपकी खिदमत करने में और आपकी सेवा करने में करेंगे, और यहां के रहने वाले लोगों को भी किसी तरह की दिक्कत नहीं। तो एक एक काम करवा रहे हैं, हम तो आपके बीच में आए यही कहने के लिए कि भाई पुनः आप हम लोगों के उम्मीदवार डॉक्टर सुनील कुमार जी को भारी मतों से विजयी बनाइए, ताकि पुनः सरकार बने एनडीए की। और हम आपको इतना ही कहेंगे कि हम लोग तो काम के प्रति प्रतिबद्ध हैं, काम ही करेंगे, सेवा करेंगे। और आज तो ये कोरोना के चलते जो कम समय में चुनाव हो रहा है, बाकी चुनाव में तो ज्यादा समय मिलता था, पार्लियामेंट का भी चुनाव था, कितना टाइम मिला था, बहुत जगह गए, लेकिन इस बार बहुत जगह जाना संभव नहीं है। और हमने आज तय कर लिया कि थोड़ा ही थोड़ा देर के लिए जाएंगे, लेकिन नालंदा जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र में एक एक जगह हम जरूर पहुंच जाएंगे। और आपके यहां भी हम यहां पहुंच गए, बिहार शरीफ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में। और आगे जान लीजिए, पुनः सरकार बनेगी तो जो कुछ भी अगर कहीं कोई काम रह गया है, एक बार हम आकर के देख लेंगे और सुन लेंगे, अगर कोई चीज की दिक्कत होगी उसको, उस काम को पूरा करा देंगे। हम आपको इतना ही कहने आए हैं। और आप लोगों ने जो हमको प्यार दिया, इसके लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद पुनः देता हूं। लेकिन आज हम आपके बीच में आए यही कहने कि भाई सुनील बाबू को भारी मतों से विजयी बनाइएगा, तब उम्मीद लेके जाए ना भाई कि पूरा जिताइएगा इनको, हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, तब हम इनको जीत का माला पहना दें, हाथ उठा के बताइए। तो आपकी सहमति से हमने जीत का माला पहना दिया। 3 तारीख को चुनाव है, एक एक कीमती इन्होंने बता दिया, तीसरे नंबर पर है। और जो कुछ भी इनको कमल छाप के बगल का बटन दबा करके वोट दीजिएगा, भारी मतों से विजयी बनाइएगा, यही आप सबसे निवेदन है। और आपने जो आश्वस्त किया, इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं।